नमस्कार दोस्तों, बुल्सआई में आपका स्वागत है। सर्दियों में मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होने की वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, वहीं गर्मियों में ब्लड प्रेशर घटने की आशंका ज्यादा रहती है, जो एक गंभीर बीमारी बन सकती है। लो ब्लड प्रेशर से बचने के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल का पालन करना बहुत जरूरी होता है। लो ब्लड प्रेशर के कारण शरीर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लो बीपी की वजह से गर्मियों में बहुत अधिक चक्कर आते हैं, इसके साथ ही कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती हैं। डिहाइड्रेशन के कारण भी काफी समय तक वॉमिटिंग या डायरिया जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना बढ़ जाती है। ये समस्या ज्यादा एक्सरसाइज करने, फिजिकल एक्टिविटी या फिर लू लगने के कारण भी हो जाती है। इतना ही नहीं, इसके कारण नजर में धुंधलापन और बेहोशी जैसे सिम्टम्स भी नजर आने लगते हैं। ब्लीडिंग, शरीर से अधिक खून बह जाने के कारण भी ब्लड प्रेशर की समस्या होने लगती है। शरीर से ब्लड निकलने के कई कारण हो सकते हैं, चाहे वो एक्सीडेंट हो या फिर ऑपरेशन से या किसी अन्य वजह से। कोई गंभीर इन्फेक्शन या फिर किसी एलर्जी के कारण भी आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड ग्लैंड से हार्मोन का स्राव कम होने लगता है। हार्मोन संतुलित ना होने की वजह से भी लो बीपी की समस्या होने लगती है। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।